गाइस, तो मैं आज नाश्ते में भेलपुरी बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं, तो फिर बनाते आ जाइए। तो हमारे पास ये इतना सब कुछ है। ये एक खीरा है, दो प्याज है, दो टमाटर है, दो हरी मिर्च है, ठीक है। और बाकी हम इसमें से थोड़ा नमकीन डालेंगे। और इसमें हमारा थोड़ा कटा हुआ नींबू रखा है, ठीक है, तो हम ये नींबू डालेंगे। तो फिर चलिए बनाते हैं। इसमें काफी चीजें भी डाल सकते हैं, या हरी मिर्च की चटनी, बॉयल आलू भी कट करके डाल सकते हैं, तभी ज्यादा अच्छा लगता है। फिलहाल तो मैं ये सादा सिंपल ही बना रही हूँ कि है मेरे पास। और आलू ली थी ना, हमारा हो गया है प्याज। अब ये हरी मिर्च, नमकीन डाल देता हूँ। बस खत्म ही नहीं हुआ तब से, ठीक है। और इसमें थोड़ा नींबू भी, दिखाओ, इसमें काफी बहुत बस ठीक है। मेरा फेवरेट कप, मैं इसी में चाय पीती हूँ। ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा दे दो, बस ऑयल दो, ऑयल थोड़ा सा बस बस बस। तो ये मिक्स कर लेते हैं। तो ये मेरा है, तो चलो इसको थोड़ा धूप में बैठकर खाते हैं मजे लेकर, और ये चाय। चलो, बहुत अच्छा कि अचार का जो तेल है ना, वो डालकर तो और ही ज्यादा टेस्ट लग रहा है। तो मेरी बेलपुरी खा लिया क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टी था।